हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? देख सकते हैं मेरे पास है वीवो 15 प्रो। इसमें एक अपडेट आया है 3.37 GB का एंड्रॉयड 11, जो कि मैं अपडेट कर चुका हूं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या इसमें न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं और कौन कौन सा फीचर्स इसमें रिमूव किए गए हैं, और अपडेट के बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं डिटेल्स से बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देख सकते हैं मेरा अपडेट कंप्लीट हो चुका है, एंड्रॉयड 11 आ चुका है। मेनू पेज पे देख सकते हैं यहाँ पर कोई अपडेट नहीं हुआ है, पहले की जैसे ही है, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है। प्लेस यहाँ पर एक न्यू फीचर ऐड किए गए हैं, किसी भी ऐप में प्रेस करके होल्ड रखने से यहाँ पर ऐप इन्फो, एडिट होम स्क्रीन, ऐप्स के सारे सेटिंग पे आ जाएंगे। को बार बार सेटिंग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर किसी भी मेन्यू पेज में जाकर होल्ड करने से गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर किसी भी ऐप को सिलेक्ट करके किसी भी एक नए फोल्डर पर डाल सकते हैं। बार बार आपको होल्ड करके ले जाना पड़ता था पहले, जो कि यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करो और सीधा पेस्ट कर दो गाइस, और ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो एक नई फीचर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं गाइस। यहाँ पर 3 न्यू फीचर्स एड किए गए हैं। वॉलपेपर सेटिंग में डायरेक्टली जा सकते हैं, एंड डायनेमिक स्लाइडिंग इफेक्ट्स में जा सकते हैं, एंड होम स्क्रीन सेटिंग्स पे जा सकते हैं, और डायनेमिक स्लाइडिंग इफेक्ट्स पे जा सकते हैं, जो कि देख सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा स्लाइडिंग इफेक्ट्स दिए गए हैं। पहले से भी था बट कुछ कुछ नए इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे स्लाइडिंग इफेक्ट्स ऐड किए गए हैं। फ्री वाला ऑप्शन गाइस पुराने की जैसे ही है, इसमें कुछ भी फीचर्स न्यू ऐड नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं साइड करने से हमारा मेनू सभी आ जा रहे हैं, बट नीचे से ऊपर करने से हमारा मेनू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं कि नीचे से ऊपर करने से आपकी सारी मेनू एक ही पेज में आ जाएंगे। ये फीचर्स को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे क्लिक करना है गाइस। देन होम स्क्रीन सेटिंग्स पे क्लिक करना है। देन गाइस होम स्क्रीन स्टाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो हमें नीचे वाले पे क्लिक करके बैक कर देना है गाइस। बैक करने के बाद पूरा बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ऊपर करने से आपके एक ही पेज में सारे ऐप आ गए हैं। ये एक न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे, और इसमें पुराना वाला भी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जो कि पुराना वाला वर्जन है। पुराना वाला वर्जन इसलिए दिखा रहे हैं गाइस ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा रिमूव किए गए हैं, कौन कौन सा न्यू ऐड किए गए हैं। तो ये सभी पुराने वाले हैं, अब देख सकते हैं एक एक दिखा रहे हैं आपको। टोटल यहाँ पर आपको 8 से 16 के आसपास एनिमेशन मिल रहे हैं गाइस। देन गाइस अपडेट के बाद न्यू एनिमेशन कौन कौन से ऐड हुए हैं आप ये देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना है। देन डायनेमिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, फिर फिंगरप्रिंट एनिमेशन पे क्लिक करना है। मैं बार बार सेटिंग्स ओपन करके इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि नए लोग होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये फीचर्स इनेबल करने आता ही नहीं, तो यहाँ से वो कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ओल्ड वाला फीचर्स रिमूव करके न्यू ऐड किए गए हैं, जो कि एक एक देख सकते हैं। फिर है ये वाला, ये 4 नए ऐड हुए हैं देख सकते हैं, ये 2 भी ऐड हुआ है। देन गाइस फेशियल एनिमेशन, जो कि ओल्ड वाला वर्जन आप देख सकते हैं, जो कि फेस लॉक करने टाइम यूज़ होता है, इसमें 5 ही न्यू ऐड किए गए हैं गाइस। पुराने वाले रिमूव करके न्यू वाले दिए गए हैं। चार्जिंग एनिमेशन देख सकते हैं गाइस, जो कि ओल्ड वर्जन अभी आप देख रहे हैं, 5 इफेक्ट्स ही है गाइस। देन आप देख सकते हैं अपडेट के बाद इसमें 6 की 6 ही है गाइस, बट इसमें पुराने वाले को रिमूव करके न्यू वाले ऐड किए गए हैं। देन गाइस यूएसबी एनिमेशन, जो कि पुराने वाले जैसे ही है, इसमें कुछ ऐड नहीं किए गए हैं। यहां से नीचे आना है गाइस, फिर यहां पर देख सकते हैं लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस में क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो भी है पुराना वाला है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किए गए हैं, देख सकते हैं आप सभी को, जो कि पुराना वाला ही है, इसमें कुछ भी नए फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर हमें जाना है शॉर्टकट सेंटर पे। यहाँ पर न्यू वाले फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं, नहीं पुराना वाला रिमूव किए गए हैं, जो भी था पहले जैसे ही था। देन गाइस यहाँ पर फिर से जाना है शॉर्टकट सेंटर पे। यहाँ पर एक न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, यहाँ पर एस कैप्चर को देख सकते गाइस, इसको ओपन करना है। फिर यहाँ पर गाइस एक न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं,
यहाँ पर एक न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, रिकॉर्ड एनिमेशन जो कि 10 सेकेंड का रिकॉर्ड होता है, जो कि एक न्यू फीचर्स है और बहुत अच्छे फीचर्स लगा हुआ गाइस मुझे ये वाला। तो अभी इनेबल इसलिए नहीं कर सकते गाइस क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। देख सकते हैं आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर 10 सेकेंड का एनिमेशन आप बना सकते हैं। देन गाइस आपको बैक आ जाना है। देन गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे देख सकते हैं पुराना वाला फीचर्स हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये ओल्ड वाला वर्जन का है गाइस। अब आते हैं सेटिंग्स पे, फिर जाना होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अपडेट के बाद एक न्यू वाला, यहाँ पर दो तीन न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि देख सकते हैं क्लिक करके। ये अपडेट वाला वर्जन का है गाइस। फिर आपको आ जाना है स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन में। यहाँ पर गाइस जो भी था पहले से ही है, पुराना वाला वर्जन ही है, इसमें कुछ भी न्यू फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं। देन गाइस अनलॉक एंड इंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, देख सकते हैं पुराना वाला ही है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किए गए हैं, जो भी था पुराना वाला ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस राइट साइड से हटा कर लेफ्ट साइड कर दिए गए हैं, जो डाटा ऑन करने पे लोगो आता था 4G आइकन, जो कि यहाँ राइट साइड से हटा कर लेफ्ट साइड कर दिए गए हैं, जो कि बहुत छोटा है, जो कि दिखाई भी नहीं देता। और इसे बहुत लोगों को लगता है कि नेट ऑन हो ही नहीं रहा, नेट ऑन करने से नेट ऑन नहीं हो रहा, तो गाइस ऐसा नहीं है, नेट ऑन हो रहा है बट आइकन बहुत छोटा हो गया है। देन गाइस आप देख सकते हैं पुराना वाला वर्जन का सेटिंग्स आइकन। अब देख सकते हैं गाइस अपडेट 11 एंड्रॉयड 11 अपडेट के बाद एंड्रॉयड 11 का सेटिंग, जो कि कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बस लोगों में कलर का कई फ़र्क दिखेगा गाइस। देन गाइस नोटिफिकेशन बार पे यहाँ पर छोटी सी चेंज हुआ है, जो भी नोटिफिकेशन आता था उसका साइज़ छोटा कर दिया गया है। देन गाइस यहाँ पर हमें आ जाना है फाइल्स मैनेजर पे। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस छोटा सा फीचर सेट किए गए हैं, कॉमन कैटेगरी से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फोल्डर शो कर रहा है गाइस, जो कि फोल्डर सेम ही सेम है गाइस। देन गाइस हमें आ जाना है एल्बम से। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस पहले दो लाइन का फोल्डर्स आता था, अब यहाँ पर तीन लाइन से हो गया है फोल्डर्स आगे पीछे हो गया है गाइस। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप एडिट करके आप जो भी फोल्डर आगे पीछे रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं, बाकी सब सेम टू सेम ही है गाइस। देन गाइस अपडेट के बाद मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी किसी भी चीज़ से भी ऐप को यूज़ करने से गाइस मेरा मोबाइल कुछ भी काम नहीं करता, कभी कभी ही होता है गाइस। मेरे मोबाइल में आ रहा, आपके मोबाइल में आ रहा है या नहीं ये मुझे पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अपडेट के बाद कुछ खास और प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।